बात आती है इसके रोपड़ की बात, जो सबसे महत्वपूर्ण इसकी खेती का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो होता है इस फसल का रोपड़। भाइयों यह ऐसी फसल है जिसमें बीज नहीं बनता है, इसीलिए इसका रोपड़ हम जड़ युक्त कल्ले, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर एक कल्ला दिखाना चाहूँगा। यह फसल जब अपनी पूर्ण बढ़वार में आ जाती है तो लगभग इसकी जो है हाइट लगभग 10 फुट तक जाती है, तो और एक पौधे से करीब लगभग इसमें 50 कल्ले निकलते हैं जिसमें जड़ें होती हैं। तो हम जब इसकी रोपाई आगे करेंगे तो उस पौधे से हम सारे कल्ले अलग करके जिनमें जड़ें होंगी और उस कल्ले की हमें लंबाई 1 से 1.5 फीट रखनी है, जिसमें 2 से 3 गांठें हों, ज़्यादा लंबाई नहीं हमें रखनी है, 1.5 फीट तक पर्याप्त रहेगी उस कल्ले की लंबाई। उस कल्ले को काट के जिसमें जड़ें हों फिर हम उसको प्रसारित करते हैं। खेत में इसको लगाने का तरीका यह होता है कि इसको पंक्ति से पंक्ति की दूरी 50 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी भी 50 सेंटीमीटर रखते हैं, इस प्रकार वर्ग की आकृति में हम लगाते हैं। इसको खेत में, खेत के मध्य में भी लगाया जा सकता है और मेड़ों में भी लगाया जा सकता है। इस प्रकार इसकी प्रति हेक्टेयर 30 से 40 हज़ार कल्लों, जड़युक्त कल्लों की आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात करेंगे इसमें जल एवं पोषक तत्व प्रबंधन की। तो दोस्तों हालांकि यह थोड़ा सूखा रोधी फसल है जिसमें जिसकी जल आवश्यकता थोड़ा कम होती है, लेकिन अगर वर्षा नहीं हो रही है उस दशा में हम इसमें अगर महीने में 1 पानी अगर देते हैं तो वो इसकी मांग के लिए पर्याप्त माना जाता है।